सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूँ शारजेन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफर में। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस सफर की शुरुआत के पहले सारे मिलकर मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम। समझ ही होंगे आप लोग कहाँ के लिए हमारा सफर जो है शुरू होने वाला। तो चलिए फटाफट से चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, देखते हैं आज की अपनी ट्रेन कौन सी है और सफर को फिर शुरू करते हैं। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये दूसरी वाली एंट्री है, मेन एंट्री दूसरी साइड है। एक्चुअली वहाँ ट्रैफिक था, इस वजह से मैंने इस साइड से एंट्री ली। ये देखिए आज की अपनी ट्रेन अयोध्या कैंट एक्सप्रेस 6:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 से जाएगी। हाँ जी, तो फाइनली आज हम लोग सफ़र तय करने वाले हैं श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या तक का। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, कब से सोच रहा था कब जाऊँगा, फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। तो इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसे बाई ट्रेन आप लोग अयोध्या जी पहुंच सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पीछे निकल रही है अम्रपाली एक्सप्रेस, अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगी है। चलते हैं वहाँ पर और पूरी डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। पूरा ब्लॉग जरूर से देखेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी आज की अपनी ट्रेन और आज का अपना कोच, AC 3 टायर में अपनी जर्नी होने वाली है और B1 है अपना कोच। चलते हैं देखते हैं इंटीरियर्स वगैरह कैसे हैं। देखिए फिलहाल ठीक ठाक दिख रहे हैं, अंदर का देखते हैं। 47 नंबर सीट है आज अपनी, लेट्स सी। साइड लोअर 47। चलिए अब बात करते हैं अपनी ट्रेन के बारे में। और तो इसका ट्रेन नंबर है 14206, जो कि एक डेली ट्रेन है और रोज दिल्ली जंक्शन से निकलती है शाम को 6:20 पर, सुबह सुबह 7:15 पर पहुंचा देती है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। और दिल्ली से लेकर अयोध्या के बीच में एक लौती डेडिकेटेड ट्रेन है, वो यही है। अच्छा, इस ट्रेन में कोच कंपोजिशन की अगर बात करूँ ना मैं, तो इसमें स्लीपर के डब्बे 10 देखने को मिलेंगे, AC के डब्बे 4 ही हैं, जिसमें से 2 तो 3 AC है, 1 2 AC और 1 डेडिकेटेड फर्स्ट AC भी है। लकीली आज साइड लोअर सीट मिली है, पर पूरी ट्रेन जो है पैक है भाई। स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC सब पैक है। बस 15 मिनट और बचे हैं, 15 मिनट में हमारा डिपार्चर जो है यहाँ से होने वाला है। अब देखते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी मुझे जमा नहीं है क्योंकि ट्रेन में पैंट्री करनी है। ठीक है, ये एडवांस में आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं। ऑर्डर रहेगा सर? भैया क्या रहेगा, इधर का क्या रहेगा? खाने में रहेगा सर, दाल फ्राई, चावल, मिक्स वेज, पनीर सब्जी। अच्छा, एक थाली कर दीजिएगा। कहाँ से चढ़ाएंगे खाना, कहाँ से चढ़ाएंगे? हमारे किचन में। गाड़ी में पेंट्री तो है नहीं, खाना कहाँ से चढ़ाएंगे? हमारा अपना किचन है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो चलो, खाने पीने की टेंशन तो खत्म हो गई। हाँ, 47 डाल दीजिए। हाँ, एक प्लेट कर दीजिए। मैं भी टेंशन ले रहा था कि हाँ ठीक है, मैं भी टेंशन ले रहा था कि भाई गाड़ी में पेंट्री करनी है, खाना वगैरह कहाँ से अरेंज करूँगा। तभी भैया आया ऑर्डर लेने, इनसे मैंने बोल दिया कि भाई ले आइएगा। चलिए देखते हैं, अब इसी बहाने रिव्यू भी हो जाएगा। 130 रुपीज़ बोला इन्होंने अभी, लेट्स सी कैसा होता है इनका खाना। तो भाई जर्नी की शुरुआत के पहले ज़रूरी है पानी और एक बिस्किट का पैकेट रख लिया बैकअप में। देखो पैंट्री नहीं है भाई, तो पानी वानी तो कम से कम होना ही चाहिए और छोटा मोटा नाश्ते के लिए बिस्किट रख लिया है। चलिए, शार्प 6:20 पर हमारा डिपार्चर हुआ है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से और शाम जो है यहीं ढल चुकी है हमारी। एक्चुअली मुझे सीट जो है एक्सचेंज करनी पड़ी है, फैमिली आ गई थी, उन्होंने कहा हमारी सीट उधर है, आप उधर चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं B1 से B2 में आ गया हूँ, फाइनली B2 में। अभी साइड लोअर ही मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइड लोअर एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या खूबसूरत सा डिपार्चर हो रहा है। चलिए, आज का अपना सफ़र तो शुरू हो चुका है और आज के रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे मुरादाबाद, वहाँ से बरेली, फिर लखनऊ और लखनऊ से आगे अयोध्या जाकर हम लोग बढ़ जाएंगे। टोटल इंटायर जर्नी में हमारी ट्रेन 9 हॉल्ट लेगी। वो 12 घंटे की जर्नी है, मज़ा आएगा। बाकी यार ये बात है, पेट्रोलेज बहुत है गाड़ी को, पूरी पैक है भाई, पूरी पैक है। वाओ, देखिए ये तो इकलौती डेडिकेटेड ट्रेन है दिल्ली से अयोध्या के बीच में, पर इसके अलावा 2-3 ट्रेन आपको और देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फरक्का एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस, दिल्ली छपरा एक्सप्रेस, जो कि अयोध्या जाती है। काफ़ी धीमे धीमे हम लोग अब बाहर हो रहे हैं दिल्ली से। यमुना नदी,
इधर पैरेलली दिल्ली मेट्रो चल रही है। ओहो, पैरेलल एक्शन विद दिल्ली मेट्रो। लेट्स सी कौन जीतता है, दिल्ली मेट्रो वर्सेस इंडियन रेलवेज। भाई मेट्रो निकल गया आगे। दिल्ली शाहदरा जंक्शन, साहिबाबाद। छह बज के 48 मिनट पर साहिबाबाद स्किप। पहुंच रहे हैं हम लोग फिलहाल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और यहां मुलाकात हुई है भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव WAG-12 से। तो करेंटली समय हो चुका है शाम के साथ और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब यहां से आप सभी को बता दो अपनी ट्रेन का जो रूट है वो अलग हो जाएगा, हम लोग बढ़ जाएंगे मुरादाबाद वाली लाइन पे और सीधी लाइन जो है कानपुर की वो अलग हो जाएगी हमसे। अच्छा एक और चीज़ है, अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। तो जनरल का जो किराया है दिल्ली से अयोध्या का वो लगता है लगभग 190 रुपये, स्लीपर का लगता है 350, थर्ड एसी का लगता है 950, सेकेंड एसी का लगता है लगभग 1400 और फर्स्ट एसी का लगभग आपको 2200 से 2300 के बीच में पड़ जाएगा। तो ये कुछ एक किराए की श्रेणी आपको इस ट्रेन में देखने को मिल जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको जैसा कंफर्ट चाहिए वैसा आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग थर्ड एसी कंफर्टेबल है, एसी भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक और चीज़ अभी गाजियाबाद आउटर से बहुत सारे अनऑथराइज वेंडर जो है चढ़े थे ट्रेन में कॉफ़ी वगैरह बेचने के लिए, उनसे बिल्कुल मत लीजिएगा। एक तो पहली बात तो क्वालिटी ख़राब देते हैं, ऊपर से रेट डबल लेते हैं, तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। चलो भाई चलते हैं, सिग्नल होने वाला है कुछ ही देर में। बाकी इंतज़ार रहेगा, भूख लग रही है, खाना कब आएगा देखते हैं खाना कैसा आएगा। चलिए 7 मिनट के लिए हमारी ट्रेन यहाँ करीब खड़ी रही, निकल चुके हैं हम लोग फाइनली गाजियाबाद से। काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है शाम के वक्त गाजियाबाद जंक्शन पे। आज बहुत सारी मेमू देखने को मिल रही है। हापुड़ जंक्शन।
कुछ तो बढ़िया बेच रहे हैं भैया। समय हो रखा है करीब 7:55 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हापुड़ के बारे में अगर बात की जाए ना तो ये फेमस अपने खादी के प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ अदर टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन के लिए। वैसे यार भैया कुछ तो बेच रहे थे वहाँ पर छोले के साथ, वो पीछे निकल गए, ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं, इसलिए मैं पीछे जाऊँगा नहीं। आई थिंक छोले कुलचे बेच रहे होंगे, खाने का बड़ा मन है। खैर उससे पहले खाना अंदर सर हो चुका है, मैं आपको बता दूँ, उसका रिव्यू करेंगे अब यहाँ से डिपार्चर के बाद। बाकी हापुड़ जंक्शन पर स्टॉल वगैरह की अगर बात करें ना, देखिए यहाँ पर एक स्टॉल है, चलिए सिग्नल हो गया, गार्ड साहब ने सिग्नल दे दिया ग्रीन, बाकी आगे तो सीधा देखो अंधेरा ही है। चलते हैं, डिपार्चर का वक्त हो गया, मात्र 2 मिनट के लिए ट्रेन हमारी यहाँ रुकी थी। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है हापुड़ जंक्शन, निकल चुके हैं हम लोग। बाकी यार एक चीज़ है, ट्रेन को सिक्योरिटी काफ़ी बढ़िया दी हुई है, लगातार RPF गश्त लगा रहा है, चाहे ऑफ बोर्ड हो चाहे ऑन बोर्ड हो। यार कुछ तो बहुत बढ़िया बेच रहे थे यार छोले के साथ वो, और मुझे ना खाने का बड़ा मन हो रहा है वो। आई थिंक सो छोले कुलचे होने से बहुत सारे वेंडर यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखो कुछ तो फेमस होगा हापुड़ का, ये देखो। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को पता है तो लिख कर ज़रूर बताइएगा, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने तो मिस कर दिया, अगली बार ज़रूर से ट्राई करेंगे। चलो ऐसा कुछ आया थाली में, ये मुझे लग रहा है पनीर की सब्ज़ी है, इसमें पनीर के पीसेस थोड़े दिख रहे हैं। ये है मिक्स वेज, ये है दाल, ये राइस, यहाँ पर आटे हैं, यहाँ पर एक स्वीट है जो गुलाब जामुन। चलिए उसे टेस्ट करता हूँ फिर आप सभी को रिव्यू देता हूँ। चलो भाई साइड पर बर्थ पे आ चुका हूँ, मुझे सबसे बेस्ट बर्थ लगती है खाना खाने के लिए, ऊपर आराम से बैठ के खा लो। चलो टेस्ट करते हैं सबसे पहले, पराठे तो बड़े कड़क है भाई, सबसे पहले मिक्स वेज टेस्ट करूँगा। मिक्स वेज की सब्ज़ी ओके से, पनीर टेस्ट करते हैं, पनीर भी ओके ओके। दाल भी ओके ओके, दाल थोड़ी सी सब्जियों के कंपेरिजन में कमज़ोर है। तो ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें ना तो मैं इसको 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूँगा, मतलब ऐसा कि काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेड है बिल्कुल ही कि आप यही खाइए, पहली प्रायोरिटी आप घर से लेके आइए, बाहर से कहीं से पैक करवाइए, दूसरी प्रायोरिटी ऑनलाइन, और तीसरी में अगर कुछ नहीं हो रहा है जैसे मैं भूल गया था तो आप ये ले सकते हैं। हाँ जी, करेंटली अपडेट दूँ अगर मैं तो टाइम हो रखा है 8:20 और हम लोग सिम्भोली करके कोई तो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर नॉर्मली खड़े हैं अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे। जस्ट मैंने अपना डिनर जो है कम्प्लीट किया और अब ऐसे ही बस वॉक कर रहा हूँ मैं बाहर। अब बात की जाए डिनर की ना, तो यार खाने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, तो क्वालिटी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है अब तो मेरे हिसाब से। मतलब यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड खाना सर्व करना चाहिए यार, प्राइस 130 रुपये ले रहे हैं पर बिल्कुल भी क्वालिटी वाला खाना सर्व नहीं हो रहा है। तो मैं तो बस यही चीज़ कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मत लीजिए। इससे अच्छा फल वगैरह साथ लेके चलिए, मेरी गलती ये रही, थोड़ा सा मैं फल वगैरह लाना भूल गया, अदरवाइज़ मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, ये सब हेल्थ ख़राब करता है यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी यहाँ से सीधा हमारी ट्रेन जाकर गई मुरादाबाद, और हापुड़ से मुरादाबाद 104 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारी ट्रेन को 2 घंटे दिए हुए हैं, मोस्टली हमारी ट्रेन मेरे को लगता है बिफोर टाइम ही चली जाएगी। बाकी जैसे ही यहाँ गाड़ी खड़ी हुई ना, मुझे अजीब से स्मेल आने लगी, तो पहले तो मैंने अवॉइड किया, मुझे लगा ऐसे ही आ रही होगी, पर पता चला कि सामने पीछे आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, बाकी वो शुगर मिल है। तो इस एरिया में 2 शुगर मिल है, एक तो यहाँ पर और एक गजरौला में। वो कह रहे हैं कि मैंने बात किया मतलब यहाँ के लोकल लोगों से, तो कह रहे हैं कि पूरा स्मेल से ही भरा हुआ एरिया है यहाँ पे, आपको यहाँ ऐसी स्मेल बहुत आएगी। भाई हमें कोई ओवरटेक पड़ रहा है, अब मालगाड़ी खड़ी है इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा, यहाँ से दिखा रहा हूँ, कोई तो सुपरफास्ट ट्रेन है। चले ओवरटेक के बाद फाइनली निकल चुके हैं, ये देखिए शुगर मिल जिसकी मैं बात कर रहा था। रिवर गंगा देखिए, एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा कहा था मुरादाबाद हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मतलब 1-2 स्टेशन और बचे हैं और 40-45 मिनट का टाइम बचा है, बहुत बिफोर पहुंच गए हम लोग। सिग्नल ग्रीन है, कोई तो ट्रेन आ रही, देखते हैं कौन सी है।
मालगाड़ी है, धीरे धीरे करके हमको मुरादाबाद स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। अब इतना बिफोर टाइम हम लोग थोड़ी देर रोका, फिर चलाया, फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स जो है देखने को मिल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह, समोसे वगैरह ये सब बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। समय हो चुका है 9:58 और फाइनली अपने समय से 2 मिनट बिफोर टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हम लोग बहुत बिफोर आ गए थे मुरादाबाद आउटर पर धीरे धीरे करके हमें यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम लाया गया है। अच्छा, बात की जाए मुरादाबाद के बारे में ना, तो ये फेमस है अपनी पीतल की इंडस्ट्रीज़ के लिए। जी हाँ, पीतल का जो काम है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस है। चलिए बात की जाए मुरादाबाद के बारे में और ना, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी लाइन जो है अलग होती है, जैसे कि लखनऊ के लिए एक लाइन जाती है जिससे हम लोग जाने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से निकलती है रामनगर की और एक लाइन अम्बाला के लिए भी जाती है। बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर वेंडर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो समोसे वगैरह ऐसी चीज़ें गर्म गर्म बेच रहे हैं। फिर यार मैंने तो वो खाना खा लिया, उसके बाद से मेरा मन जो है ना ख़राब सा हो गया, मैं कुछ नहीं खा रहा और पेट ऐसा लग रहा है कुछ नहीं खा के भी भरा भरा सा फील हो रहा है। बाकी अगर आप लोग आ रहे हैं तो समोसे काफ़ी बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे। और एक और कोई चीज़ फेमस है, आई थिंक बिरयानी फेमस है कुछ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, याद नहीं आ पा रहा। तो यार जो लोग मुरादाबाद से या मुरादाबाद से निकलते हैं जिन्हें आइडिया है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना खाने का यहाँ पर क्या फेमस है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का वहाँ पर। एक और चीज़ है कि ट्रेन में पैंट्री कार्ड तो नहीं है और ना ही साइड पैंट्री, पर पता नहीं शायद वो कौन से वेंडर है जो खाना वगैरह तो बेच रहे हैं साथ ही साथ चाय वगैरह भी बेच रहे हैं। तो जब मेरे आसपास वालों ने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी का सर्व किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी का। यार गाड़ी के खाने से मैं तो टोटली डिसअपॉइंटेड हूँ, और एक ही मील ट्राई करने को मिलने वाली थी इस गाड़ी में क्योंकि सुबह तो हम लोग 7 बजे पहुँच जाएंगे, तो उससे भी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इसके। यार 10:08 पर हमारा डिपार्चर हुआ है और 8 मिनट का हॉल्ट था हमारा यहाँ पर, ऑफिशियल हॉल्ट 8 मिनट का था, बिफोर टाइम आ गए थे हम लोग वो अलग बात है। तो करीब 10:52 समय हो चुका है और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं अब रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं रामपुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां से एक लाइन जो काठगोदाम की ओर जाती है वो अलग हो जाकर हम लोग बढ़ जाएंगे लखनऊ की ओर। बाकी और बात की जाए रामपुर के बारे में ना, तो ये फेमस है अपने चाकू के लिए, रामपुरी चाकू जो है बहुत फेमस है बहुत यूनिक चीज़ है यार। बाकी यहाँ पर हम लोग ना आधा घंटा लेट हो गए हैं, मुरादाबाद से तो ऑन टाइम निकले थे, यहाँ आते आते आधा घंटा लेट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बरेली लखनऊ के रास्ते अयोध्या तक का सफ़र तय करेंगे। यहाँ पर बात की जाए स्टॉल्स की, तो स्टॉल जो देखने को मिल रहे हैं मुझे वेंडर भी एक दो देखने को मिल रहे हैं, वो ये दिक्कत है ना एसी कोच के आसपास कोई वेंडर आता ही नहीं है, या तो स्लीपर की तरफ निकल जाते हैं या जनरल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जो स्टॉल है वहाँ पीछे है एकदम सेंटर में, और पीछे खड़ी है काठगोदाम से चलकर देहरादून को जाने वाली ट्रेन। पता है एक चीज़, जब से ट्रेन दिल्ली से चली है ना तब से मैं सीट पर जाके बैठा ही नहीं हूँ, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अभी मेरी सीट पर बहुत लोग बैठ के खाना वाना खा के इन्जॉय करके चले गए। अब यार मुझे पता है सोना साइड अपर पे पड़ गया क्योंकि साइड लोअर एक आंटी को मैंने दे दी, बोल रहे मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं कहा प्लीज़ आप बिल्कुल ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोना ही तो है, साइड अपर पे सो जाऊंगा मैं। अब बस 2 मिनट ही हमारी ट्रेन रुकी थी रामपुर जंक्शन पे, निकल रहे हैं हम लोग फाइनली। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकली अपनी ट्रेन। बरेली जंक्शन, तो रात के 11:43 समय हो चुका और अपने समय से 1 मिनट बिफोर टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब बरेली इतने स्टाइल से मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सभी को बताइए यार, बरेली क्यों फेमस है, जो बॉलीवुड का गाना आया था कौन सा है पता ही होगा ना आपको। अच्छा, एक और चीज़ है, बरेली बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, मतलब यहाँ के जो फर्नीचर है बाम्बू वाला वो बहुत फेमस है, यहाँ का सुरमा फेमस है, और यहाँ का जो हैंडवर्क है जरी का वर्क वो भी बहुत फेमस है। मतलब बरेली में कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। बाकी यार बरेली में खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए ना, स्टेशन पे तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, स्टॉल्स वगैरह हर थोड़े थोड़े दूर पर मौजूद है,
और स्टॉल पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब फ्रूट से लेके सब कुछ एक ही स्टॉल पे। मैंने ऐसे स्टॉल बहुत सारे देखे, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। फिलहाल अब रात के 12 बज चुके हैं, अब मैं लूँगा थोड़ा सा रेस्ट। ज़रूरत है थोड़ी सी रेस्ट की, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग बहुत हो गई। तो बरेली के बाद अब मैं सो जाऊँगा, सीधा आपसे मिलूँगा कल सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे टू। मैं फिलहाल सुबह के 6:20 में उठ चुका हूँ। बाहर खूबसूरत से सनराइज़ हो रहा है। सबसे पहले उठ के मैंने वही रिकॉर्ड किया, अब फाइनली उठाऊँ मैं। भाई देखिए यहाँ पर चाय वगैरह भी बेचने के लिए आ गई है, कुल्हड़ वाली चाय बेच रहे हैं भैया। तो बढ़िया, सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या कैंट। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। जैसे ही मैंने वो ट्रेन डिबोर्ड करी, दिल्ली जंक्शन अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, उसके पीछे पीछे कैफियत एक्सप्रेस आ गई थी, तो इससे फटाफट से मैं भाग के टिकट लिया और आ गया हूं यहां पर अयोध्या जंक्शन में। आप देखिए ये अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, और श्री राम जन्मभूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग मेरे साथ लिखेगा जय श्री राम। अच्छा एक चीज़ आप सभी को बता दूँ, अयोध्या कैंट से जो अयोध्या जंक्शन है वो 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसी वजह से मुझे ट्रेन से आना पड़ा। प्लस जो आसपास की चीज़ें वगैरह दर्शनीय स्थल है वो अयोध्या जंक्शन से सब कुछ पास में है, इसलिए मैं अयोध्या जंक्शन आ गया। चले खैर, ये है कैफियत एक्सप्रेस। अगर ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए दिल्ली जंक्शन अयोध्या कैंट एक्सप्रेस की, तो उसका रिव्यू पंचुअलिटी में एकदम टॉप क्लास। अब आज मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि यार आज ऑन टाइम आ गई, यूजुअली वो लेट होती है, मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पर तो बिल्कुल ऑन टाइम आई है। चलिए खैर, खाने पीने की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया पूरे वीडियो के दौरान, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, साफ सफाई वगैरह ठीक थी। चलिए फिलहाल अब मैं जाता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। ये देख लीजिए नया स्टेशन जो है फिलहाल बन रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला, स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब नया बन जाएगा, पूरा इनॉग्रेशन हो जाएगा, तब आपको ज़रूर से दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इस जर्नी को, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, जर्नी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। शाहजहाँ को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहाँ साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या।